देखिए, हमारी तैयारी आज नहीं, वर्षों से वहाँ तैयारी चल रही है। हम लोग चुनाव हर जिला में अपना संगठन बूथ स्तर तक तैयार किए हुए हैं और हर लोग चाहते हैं कि गया का विकास, चुनाव जीतते हैं तो फिर गया का विकास बहुत तेजी में होगा। और चुनाव ही नहीं, चुनाव जीतेंगे वो मंत्री बनेंगे केंद्र में और गया को फिर से एक बार नए से चमकाने का काम किया जाएगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं रबसी लाइव और मैं हूं आपके साथ निधि सिंह। अभी हमारे साथ मौजूद है हम पार्टी के प्रवक्ता विजय यादव सर। तो सर, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। थैंक यू सर। जिस तरह से गया में अभी मांझी जी को टिकट मिला, वहां से चुनाव लड़े, कैसी तैयारी रही है सर आप लोगों की? देखिए, हमारी तैयारी आज नहीं, वर्षों से वहाँ तैयारी चल रही है। पिछले बार भी मांझी जी चुनाव लड़े थे, उस वक्त से भी तैयारी चल रही है। देखिए, जो गया कंस्टिट्यूएंसी है उसका बनावट इस प्रकार की, मांझी बाहुल्य क्षेत्र है। हम लोग चुनाव हर जिला में अपना संगठन बूथ स्तर तक तैयार किए हुए हैं, हर जगह मांझी में है पूरे गया जिला में। और मेरा कड़ाही छाप प्रचार और प्रसार है, सिमूर मेरा कड़ाही छाप है और हर लोग चाहते हैं कि गया का विकास यदि किसी ने किया है तो जितना मांझी ने अपने मुख्यमंत्री काल में जो बना कर सके थे कम समय में, यदि अगर वो चुनाव जीतते हैं तो फिर गया का विकास बहुत तेजी में होगा। और चुनाव ही नहीं, चुनाव जीतेंगे वो मंत्री बनेंगे केंद्र में और गया को फिर से एक बार नए से चमकाने का काम किया जाएगा। जो वहाँ विदेश से लोग आते हैं और गया को कहते हैं कि गया छोटा जगह है, गंदगी है, तो सब हम लोग दूर करने का काम करें, गया एक नए सिरे से चमकाने का काम करेंगे। आज मोदी जी बिहार दौरे पर है, वो जमुई पे संबोधन कर रहे हैं, क्या कुछ कहेंगे? आप लोगों को कैसा साथ मिला है मोदी जी का? देखिए, मोदी जी ने स्पष्ट कहा कि सबका साथ सबका विकास। जो काम 10 सालों में अधूरा रह गया है, मैं आने वाला समय में अगर मैं प्रधानमंत्री में बनूंगा तो उसको पूरा करूंगा। मेरा एक ही दायित्व है कि जो गरीबों को जो कल्याणकारी योजनाएं हैं, जो गांव तक नहीं पहुंच पाते उसको पहुंचवा कर गाँव का विकास हम करेंगे। और देखिए, अपार भीड़ वहां भी थी जमुई में, जिस प्रकार भीड़ जुट रहे हैं और पूरे देश में मोदीमय हो रहा है, हम लोग 400 प्लस सीट में चुनाव जीत के आ रहे हैं, हम लोग को कहीं कोई दिक्कत नहीं है। और रहा जा गया की बात, तो गया में तो कोई कंपटीटर ही नहीं है। आप कहिएगा कि RJD कंपटीटर हो सकता है, तो वहाँ मांझी बाहुल्य क्षेत्र है, हमेशा वहाँ पासवान और यादवों में खुन्नत रहा है। कभी न पासवान यादव को देखना चाहे, न कभी यादव पासवान को देखना चाहे, इसलिए यादव कभी उनको वोटिंग कर ही नहीं सकते हैं, न जात पर न पात पर। मांझी जी के बात पर वहाँ वोट होगी और हम लोग काफी मतों से वहाँ चुनाव जीतेंगे। एक आखिरी सवाल है कि RJD वाले लोग मांझी जी पर आरोप लगाते फिरते हैं कि वो परिवारवाद वाले नेता हैं और परिवारवाद को ज्यादा ही आगे बढ़ावा देंगे, क्या कहेंगे इससे? देखिए, चलनी दुश्मन बढ़नी को कि तुम्हारा में 77 को छेद है, पहले अपना घर तो वो देखें। अभी तो दो पुत्र और दो पुत्री को चुनाव में उतारे हैं, पहले से तो पति पत्नी वो लोग है ही है, अब रहा 2-3 और उनके पुत्र पुत्री है, उनको भी उतारने का काम कर रहे। देखिए, मांझी जी के पुत्र जो आप कहते हैं परिवारवाद की बात करते हैं, तो मांझी जी के पुत्र बहुत पहले से भाजपा में थे, वो अपना जीवन का राजनीतिक करियर भाजपा से शुरू किए थे, पहला बार वो भाजपा से चुनाव लड़े थे। और अब तो हम लोग अपनी दल हो गई है, तो हम लोग एक साथ हैं। इसको यदि परिवारवाद कहते हैं तो देख लीजिए कि RJD वालों को क्या हो सकता है। तो ये थे हम पार्टी के प्रवक्ता विजय यादव सर। तो ऐसी तमाम अच्छी खबरें के साथ जुड़े रहे हमारे चैनल रबसी लाइव के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। बहुत बहुत धन्यवाद।